Hello everyone. वेलकम टू एक्सट्रेंसिक कोचिंग आज हम इस वीडियो में अबाउट द ईपीएफओ के लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में बात करने वाले हैं और हम ईपीएफओ में आप एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक कर पाओगे आपने जो एप्लीकेशन किया है वो आपके एम्प्लॉयर ने अप्रूव कर दिया है कि नहीं कर दिया है वो आपको चेक करना है तो कैसे कर पाओगे इसकी भी हम बात करेंगे और अगर आपको प्रूफ चाहिए ट्वेंटी सिक्स सिक्स का तो वो भी ई पी एफ ओ ने एक फॉर्म दे दिया है जो आप जो है वो आप सबमिट कर सकते हो और लास्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है ईपीएफओ ने मतलब अपडेट एक्सटेंड नहीं होगा है लास्ट टाइम ईपीएफओ ने डेट एक्सटेंड कर दिया है जो लेटेस्ट दो-तीन सर्कुलर है इसके बारे में आज जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का लास्ट सर्कुलर आया था 26 जून को जिसमें बताया गया पहले आपको बताया कि लास्ट डेट जो था वो ईपीएफओ हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने का 26 जून था अब ईपीएफओ ने लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया है एम्प्लॉय को टू सबमिट द ऑप्शन विद इन 15 डेज टू गेट द पेंशन ऑन द हायर वेजेस एंड एम्प्लॉयर्स गिवन थ्री मंथ्स टाइम फॉर अपलोडिंग वेजेस डिटेल ऑनलाइन ठीक है तो एम्प्लॉयर को तीन महीने का टाइम दिया है और एम्प्लॉय को पंद्रह दिन का टाइम दिया है जॉइंट एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी एसबीन मेड अवेलेबल बाय फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर द दिलेशन ऑफ द जॉइंट ऑप्शन फॉर द पेंशन ऑन द वेजेस ये आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था फोर्थ नवंबर टू का उसके तहत आपको ऑनलाइन फैसिलिटी दी गई थी अप्लाई करने के लिए 26 फरवरी 2023 से जो अवेलेबल रहने वाला था थर्ड में 2023 तक उसके बाद में आपको एक और टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी गई और बोल दिया गया कि 26 जून तक आप अप्लाई कर पाओगे उस टाइम तक अगर यहाँ पे बात की जाए तो ऑलमोस्ट सिक्सटीन लाख एप्लीकेशन जो है वो आ चुके हैं फॉर द वडियशन ऑफ द ऑप्शन और जॉइंट ऑप्शन के लिए अब तक मतलब ट्वेंटी जून टू तक ऑलमोस्ट सिक्सटी लाख एप्लीकेशन जो है वो सिक्सटीन लाख वन सिक्स लाख एप्लीकेशन जो है वो ऑलमोस्ट रिसीव हो चुके हैं उसके बाद आपको लास्ट अपॉरचुनिटी गई है फॉर द फिफ्टीन डेज इज़ बींग टू रिमूव एनी डिफ़िकल्टी फेस बाय द एलिजिबल पेंशनर क्योंकि आपको फोर्टीन जून को या फिफ्टीन जून को ई पी एफ ओ ने बताया कि कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूफ आप अपडेट कर सकते हो इसलिए और पंद्रह दिन दिए अब ये डेट एक्सटेंड नहीं होगा according to the last date of the submission application of the relation option joint option by the employee extend of 2 11th july 2023 एनी एलिजिबल पेंशनर मेम्बर वो ऑन अकाउंट ऑफ इश्यून ऑफ के वाई सी फेसिकल्टी सब्लिकेशन ऑप्शन में इमिडिएटलींस टू ई पी एफ आई जी एम एस फॉर द रिजोल्यूशन मतलब किसी को डिफिकल्टी हो रही है के वाई सी अपडेट नहीं हुआ है ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो ई पी एफ आई जी एम एस पे आप रिजोल्यूशन के लिए लॉक कर सकते हो द ग्रीवियंस मे बी प्लीज सबमिटेड बाई द सेक्टिंग द्रीवियंस कैटेगरी ऑफ द हायर पेंशनर

इससे आगे अपडेट एक्सटेंड नहीं होगा तो अगर अब तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर लीजिए देखिए इससे पहले एक सर्कुलर आया था इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं 14 जून को कि आपको जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे उसके बारे में बताया गया था यहाँ पे पैरा लिखा हुआ है इस पैराग्राफ के बारे में डिटेल में हम बहुत सारे वीडियो में बात कर चुके हैं आपको हायर पेंशन के लिए आउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसके लिए पूरा एक प्ले मैंने बनाया हुआ है जो आपको कॉमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो उसको देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको हायर पेंशन के लिए आउट करना चाहिए कि नहीं करना जी देखिए यहाँ पे ये प्रूफ मांगा गया था प्रूफ ऑफ जॉइंट ऑप्शना 26 सिक्स ऑफ द ईपीएफ स्कीम ड्यूली वेरीफाइड बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्कुलर नंबर पेंशन ये था इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात कर चुके हैं तो यहाँ पे अगर आपने यस दिया है तो आपको ये परमिशन जो है वो अटैच करनी है और अटैच करने के लिए आप मैंडेटरी था वो निकाल दिया था बाद में कोर्ट केस हुआ था उसके तहत ये भी हमने बात की थी तो ये जो एप्लीकेशन है उसका प्रूफ आपको कैसे ज्वाइन करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है परफोमा दिया हुआ है फॉर द जॉइंट रिक्वेस्ट अंडर पैराग्राफ ट्वेंटी सिक्स ऑफ एफ स्कीम नाइनटीन फिफ्टी टू तो देखिए यहाँ पे पैरा दिया हुआ है उसके तहत जो है आप जो है अपना ट्वेंटी सिक्स सिक्स सबमिट कर सकते हो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय का साइन होना चाहिए और यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर का साइन होना चाहिए जिसने भी ये वेरीफाई किया हो ठीक है और अंडरटेकिंग जो अपलोड करना है उसका भी जो है एक परफॉर्मा दे दिया है यहाँ पे तो यहाँ पे अंडरटेकिंग का भी परफॉर्मा है जहाँ पे आपको डेट लिखना है प्लेस लिखना है साइन करना है और एम्प्लॉयर को भी साइन करना है यहाँ पे हाँ वो अंडरटेकिंग देना है आपको भी देना है आपके एम्प्लॉयर को भी देना है और ये ऑफिस यूज़ के लिए है जो वो लोग यूज़ करेंगे ठीक है तो ये जो है पूरा क्या प्रूफ देना है ये भी बता दिया है पे फोन ने तो और पंद्रह दिन दे दिए है अगर आपको ये प्रूफ अपलोड करना है तो ये प्रूफ अपलोड करके भी कर सकते हो इससे पहले मैं आपको बता दूं सेकेंड जून को एक सर्कुलर आया था जिसमें स्क्रूटिनिटी हो एप्लीकेशन तो के लिए एम्प्लॉयर को एक टाइमलाइन दिया गया था हाँ एम्प्लॉयर को बताया दिया गया था कि आपको जो है वो विद इन ट्वेंटी डेज स्क्रूटिनिटी कर देनी है एप्लीकेशन की फॉर एग्जाम्पल मैंने आज जो एप्लीकेशन किया तो एम्प्लॉयर को बता दिया गया था कि उसके बीस दिन बाद आपको स्क्रूटिनिटी करके बता देना है कि क्या है क्या क्या डिटेल्स जो है वो ऐड करनी है तो एम्प्लॉयर के साइड से भी ये डेटा जो है वो रिसीव हो चुका है कि नहीं हो चुका है तो एम्प्लॉयर के साइड से वेरीफाई हो चुका है कि नहीं हो चुका है अब ये आपको जानना है तो कैसे जान पाओगे तो इसके लिए जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एम्प्लॉयर का आपको एग्जाम्पल दे तो आप इस साइड पे आ जाओगे तो यहां पे आपको दिखाई देगा ट्रेक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर द पेंशन ऑन द जिस जिसपे आपको क्लिक करना है इस पर आप क्लिक करोगे तो या तो एक्नोलॉजमेंट नंबर डाल के या तो यू नंबर डाल के या तो पी, -पी नंबर डाल के और फिर कैप्चा को डाल के यहाँ पर आपको यस कर देना है और उसके बाद गेट ओ टी पे क्लिक करना है तो जिससे क्लिक करोगे एक ओ आएगा और ओ आने के बाद आपको एप्लीकेशन का स्टेटस जो दिखाई देगा देखिए यहाँ पे जो इस एम्प्लॉयर का स्टेटस है एप्लीकेशन का आपको दिखाई दे रहा है हाँ ये एम्प्लॉयर बी का है इससे पहले हम इसकी बहुत बारे में बात कर चुके हैं ट्वेंटी अप्रैल को उसने एप्लीकेशन सबमिट किया था वो ये एम्प्लॉयर ने अप्रूव कर दिया है एम्प्लॉयर अप्रूव बाय द एम्प्लॉयर यहां पे लिखा हुआ है और ट्वेंटी फोर्थ जून को जो है वो एम्प्लॉयर ने अप्रूव कर दिया है और फाइनल क्या है प्रोसीड बाय ऑल एम्प्लॉयर्स विद वेज डिटेल्स ठीक है तो जितने भी एम्प्लॉयर मतलब इसके है मतलब एक ही एम्प्लॉयर था यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक तो उसके मुताबिक उसने जो है वो पूरा अप्रूव कर दिया है और आपको यहाँ पे पीडीएफ कर देखना है तो यहाँ से आप डाउनलोड भी जो है वो पीडीएफ जो है वो कर पाओगे हालांकि अभी एरर एर आ रहा है अदरवाइज़ आप ये पी को डाउनलोड करके भी आप सेव करके रख सकते हो कि आपका एप्लीकेशन जो है वो कौन से स्टेज पर है अगर आपका यहाँ पे एम्प्लॉयर ने अप्रूव नहीं किया होगा तो इस जगह पर जो है आपको अप्रूव बाय द एम्प्लॉयर ऐसा नहीं दिखाई देगा ठीक है इसे आप चेक भी कर पाओगे कि आपका एप्लीकेशन जो है वो कौन से स्टेज में है तो ये ज़रूर चेक कर लेना एक बार कि एम्प्लॉयर ने आपका एप्लीकेशन अप्रूव किया है कि नहीं किया है अप्रूव कर दिया है मतलब आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हो और आपको हायर पेंशन मिलने वाला है ठीक है और कोई भी डाउट है कुछ भी क्वेरी है लास्ट फिफ्टीन डेज बचे हैं हाँ आप तो फिफ्टीन डेज भी नहीं ऑलमोस्ट आप कह सकते हो दस बारह दिन ही बचे हैं तो आप फटाफट एप्लीकेशन कर दीजिएगा और फिर भी आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना मैं जितना हो सके उतना जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स आपने जो भी सपोर्ट किया है ईपीएफओ के रिगार्डिंग में जितने भी वीडियोस डाले इसमें आपका बहुत अच्छा प्यार और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया